खुतबा का आगाज़ हो चुका है। माशाल्लाह से मदीना मुनव्वरा में फजर की आज़ान भी हो गई है। आज मैंने सोचा कि मॉर्निंग से मैं अपनी रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेश होने के बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में। किचन में मेरी डेली रूटीन में ये होता है कि पहले आकर मैं यहाँ पर अपने लिए पानी गर्म करती हूँ। पानी यहाँ पर गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, तो बॉयल होने तक अब इसका मैं इंतज़ार करूँगी। काफ़ी टाइम से ना ये मैंने अपनी रूटीन छोड़ दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अभी मैं रूटीन में आ गई हूँ। तो पानी यहाँ पर हमारा बॉयल हो चुका है, तो अभी मैं गिलास में रख के थोड़ी देर के लिए इसे रख दूंगी। तकरीबन 5 मिनट हम इसका वेट करेंगे। जैसे ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो फिर इसे मैं पी लूँगी। मलाक के बाद मेरी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन मैंने अभी उसे अच्छे से मैनेज कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे पानी मेरा नॉर्मल हो गया था, नॉर्मल जैसे कि नीम गर्म पानी मैं अपनी डेली मॉर्निंग रूटीन में पीती हूँ। लेकिन गिलास वो थोड़ा गर्म था, तो मैंने टिश्यू ले लिया गिलास को पकड़ने के लिए, और फिर मैं बैठ के यहाँ पे चेयर पे कि आराम से सुकून से मैं अपना पानी ख़त्म कर लूँ। अक्सर छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हमारी जो रूटीन है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है, और ख़ुद को मेंटेन रखने के लिए ना बहुत मसला होता है हमें। जब मैं सैलून पे थी तो एकदम से मैंने अपनी रूटीन को परफेक्ट रखा हुआ था, बिल्कुल सही से चल रही थी। तो खैर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। तो अभी मेरा यहाँ पर नीम गर्म पानी पीने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में। नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, फजर की जो नमाज़ है ना वो मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि जब जमात हो जाए, क्योंकि मस्जिद बिल्कुल साथ है हमारे घर के, और मुझे पता चल जाता है कि अभी जमात हो गई है तो ही फिर मैं अपनी नमाज शुरू करती हूँ। तो इसलिए मेरी रूटीन में है कि पहले मैं पानी वगैरह पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ नमाज पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत ज्यादा शुक्र अदा कर रही थी मैं यहाँ पर। नमाज पढ़ने के बाद फिर मेरी रूटीन में ये है कि मुझे कुरान पाक पढ़ना होता है। डेली रूटीन में कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ मैं जो सुबह के अज़कार होते हैं वो भी मैं पढ़ती हूँ। वो भी मैं जब तक ना पढ़ूँ तो मुझे सुकून नहीं आता, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर हम डेली मॉर्निंग में सुबह के और शाम के अज़कार पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे घर के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी, हमारे कारोबार में बरकत के लिए भी, हमारे घर में बरकत के लिए। किचन में मेरा ये अभी डेली का जो ब्रेकफास्ट है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैं डेली क्या, मैं नाश्ते में क्या लेती हूँ। जब से हस्बैंड का फार्म हाउस का काम शुरू हुआ है तो वो मॉर्निंग में जैसे फार्म हाउस जाते हैं और घर पे जैसे डेली नाश्ता करते हैं, तो फिर उनके साथ साथ हल्का फुल्का नाश्ता मैं भी कर लेती हूँ उनके जाने के बाद। क्योंकि एक तो मैं उठी हुई भी होती हूँ, और फिर जैसे कि अभी हमारे घर पे जैसे पराठे बनते हैं और भी जैसे मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ, तो उनके साथ जैसे मैं दस्तरखान पर बैठ जाती हूँ, वहाँ चाय वगैरह पीती हूँ, लेकिन नाश्ता मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करती। बस ये जो मेरा नाश्ता होता है यही मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि ये मेरा नाश्ता होता है। उसके बाद फिर मैं जैसे रात का खाना हो गया वो रात का खाना मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक कप चाय का बनाया पुदीना का। उसके अलावा जो है ना मैंने यहाँ पर एक ब्रेड लिया, सिर्फ एक ब्रेड लिया बस। ब्रेड को मैं यहाँ पर टोस्ट कर लूँगी। टोस्ट करने के बाद उसके ऊपर मैं बटर लगा लूँगी, और बटर लगाने के बाद एक मैंने अंडा भी बॉयल किया था, अंडे के ऊपर मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला था। तो ये है मेरा मॉर्निंग का नाश्ता। मॉर्निंग में तकरीबन जैसे कोई 9, 9:30 बजे, 10 बजे के करीब ऐसे मेरा नाश्ता होता है ये। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ डिफरेंट शेयर करने की कोशिश कर रही थी। अगर आप सबको अच्छा लगेगा, आप सबको पसंद आएगा, तो इंशाल्लाह मैं सबकी रूटीन आप सबके साथ शेयर करूंगी, बच्चों की रूटीन भी शेयर करूंगी आप सबके साथ। आजकल मॉर्निंग में ना हमारे तकरीबन कोई 3-4 स्टेप हो जाते हैं नाश्ते के। जैसे पहले हस्बैंड जाते हैं फार्म हाउस तो उनके लिए नाश्ता बनता है, फिर जैसे मैं अपने लिए करती हूँ, फिर बच्चों का होता है। तो खैर ये तो जो है वो चलता ही रहता है। अभी मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं दोपहर में बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि कल मुस्तफ़ा ने मुझे कुछ कहा था कि वो बना दें, और मैं ये बैठे बैठे सोच रही थी कि फ्रिज में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं देखती हूँ अभी उठ के यहाँ से कि अगर सब कुछ है वहाँ पर तो फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। अभी आप सबने मेरी ये रूटीन देखी है, लेकिन मेरी इस रूटीन के दौरान मलाक पता नहीं कितनी बार उठ जाती है और कितनी बार मैं उसको सुला के आ जाती हूँ। पीने लगी थी अभी चाय, लेकिन मोना मुझे कह रही है कि पहले प्लीज आप थोड़ा सा यहाँ से ना मुझे चेक करके बताएं कि मैंने कैसा बनाया। बनाया क्या है मोना, ये तो पता चले। बॉन्टी बार्स कोकोनट वाली चॉकलेट। मैंने इसे कहा भी है, मैंने कहा मैं चाय पी रही हूँ, वो भी मीठी ये भी मीठा, तो खैर इसने कहा कि नहीं बस थोड़ा सा आप ना मुझे चेक करके बता दें। मैं थोड़ा सा चेक करके बता देती हूँ इसे कैसा बनाया। जब तक मैं खाऊँ नहीं ना मेरे बच्चों को सुकून नहीं आता कि मैंने खाया क्यों नहीं।
बहुत मजे का बना हुआ है। चाय पी रही, तो मैं खा लेती है ये पूरा जो है ना, एक बम की बार में तुम्हारा पूरा खा लेती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कैसे हम सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है दुआओं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन या रब। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टर्किश कबाब, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी मैं रेसिपी शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया कीमा, तो इसके लिए मुझे चाहिए शिमला मिर्च और हरी मिर्ची मैंने ली है, लेकिन ये तेज वाली नहीं है, बिल्कुल हल्की सी है। इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास प्याज, लहसुन है, यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और यहाँ पर है मेरे पास धनिया पाउडर। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है पेपरिका, जिंजर पाउडर, यहाँ पर है हमारे पास सुमक, ये अरबी मसाला है। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप डालें तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते हो। और यहाँ पर ले लिया मैंने नमक, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर चॉपर है, जो मेरे पास शिमला मिर्च है, लहसुन और प्याज, इन सबको हमने करना है इसमें चॉप, चॉप करके सारे मसाले इसमें डालने। तो बस अभी एक एक करके इसमें मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले हम इनको चॉप कर लेते हैं, इनका जो पानी है ना वो हमें निकालना है। प्याज और लहसुन को हमने चॉप कर लिया है, तो अभी रहेगी हमारे पास शिमला मिर्च। लास्ट में यहाँ पर है मेरे पास धनिया, धनिया मुझे ज़्यादा चाहिए था लेकिन बस मेरे पास फ्रिज में अभी यही है, तो बस मैं यही डाल के इसको चॉप कर लेती हूँ। तो अभी हमने क्या करना है, हमने इस ये सारे मसाले को इसमें डाल के, तो इसका जो पानी है ना वो निचोड़ लेना है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं निचोड़ेंगे तो हमारे कबाब सही से नहीं बनेंगे, क्योंकि कबाब में सारा हो जाएगा पानी पानी और वो फिर जल्दी टूटने लग जाएंगे, कबाब में जो थिकनेस आती है ना वो नहीं आएगी। तो ये देखें यहाँ पे इतना सारा पानी ना इनमें से निकला है, अगर ये पानी चला जाता इस कीमे में तो बिल्कुल हमारे कबाब अच्छे नहीं बनने थे। सारे न्यूट्रिशन जो है ना वो पानी में निकल कर आ चुके हैं, लेकिन इनमें भी है, ये नहीं है कि इनमें कुछ नहीं और सब कुछ यहाँ पर निकल कर आ गया। तो खैर इसको भी, इस पानी को भी हम यूज कर लेंगे, इससे हम कोई सब्जी बना लेंगे, कोई सालन बना लेंगे, किसी न किसी चीज में मैं इसको डाल दूंगी, इसको जाया नहीं करूंगी मैं। अच्छा ये वाले मसाले हमने डाल दिए हैं कीमा में, अभी मेरे पास है यहाँ पर जीरा, ये हम डाल देंगे सारा इसमें। जीरा डालने के बाद यहाँ पर है मेरे पास सूखा धनिया, ये भी अभी हम सारा डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर, यहाँ पर है हमारे पास जिंजर पाउडर, जिंजर पाउडर डालने के बाद अभी यहाँ पर मैं डालूंगी नमक, अभी मैं डालने लगी हूँ सुमक जो कि अरबिक मसाला, इसके मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालूंगी। अब यहाँ पर मेरे पास है पेपरिका, ये तकरीबन हम डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने लिया यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर जो नॉर्मल रूटीन में हम यूज़ करते हैं। मैं ग्लव्स लेकर आ गई हूँ, ग्लव्स पहन के तो बस इसे करते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इसे हम रखेंगे कुछ देर, उसके बाद जो है ना फिर हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा बन चुका है, उसे काफी टाइम भी हो गया रखे हुए, तो अभी क्या करते हैं मैं इसके कबाब बना के फ्रिज में रखती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया एक बटर पेपर, इसको रख के तो इसके ऊपर ही हम रखेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑयल, ये थोड़ा सा जो है ना मैं अपने हाथों को ग्रीस करके थोड़ा सा बस हल्का सा लगा के, आप जिस शेप में भी बनाना चाहें बना सकते हैं। जब हम बाहर बाजार के खाते हैं ना तो वो ऐसे उंगलियों से ना उनको इस तरीके से कर लेते हैं, ये देखें ऐसे। जब हम बाहर किसी रेस्टोरेंट पे खाते हैं ना तो उनकी शेप इस तरह से होती है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो इस तरह से हमने काफी सारे जो है ना अभी बना लिए फिंगर की हेल्प से, ये देखें बनाए मैंने छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं बनाए, ताकि फ्राई होने में ना ज्यादा टाइम भी ना लें और अंदर से जैसे कभी कभी कच्चे रह जाते हैं तो वो भी ना हो। तो अभी ये वाली हमारी जो लाइन है वो कम्प्लीट होगी। तो अभी एक और बटर पेपर मैंने ले लिया है इसके ऊपर रख के ना, तो अभी इसके जो और बाकी जो रह गए हैं वो बना के फिर इस बटर पेपर के ऊपर रख देती हूँ। ये वाला कीमा मैंने बचा लिया है, ये हम अभी बनाएंगे, और बाकी जो है ना मैंने कुछ बना के रख दिए हैं, ये इस शेप में बनाए और थोड़े से जो है मैंने राउंड शेप में बना दिए, तो इनको भी मैं बस रख देती हूँ फ्रिज में, ये कल दोपहर में खा लेंगे या किसी भी टाइम में बना लूंगी। हानिया कैसा बनाया, अच्छा लगा आपको? मलाक आपके साथ बैठ के रोटी खा रही है, मलाको मम्मा की जान शोनी। मैंने नहीं है। हाँ क्या है कुकु? कुकु तो नहीं, कुकु इधर है इस रूम में। कुकु काटेगा, कुकु काटेगा, कुकु डर रहा है, मलाक मुझे डर लग रहा है।
इतनी सारी बातें हो रही है मलाक की कुकू के साथ, इतनी सारी बातें। हाँ, इतने दिनों के बाद आज कुकू की खैर नहीं है, मलाक की खैर नहीं है। तमन्ना आपके पास, किसी के पास नहीं जाना, छोड़ दोस्तों, कहाँ जा रही है। अल्लाह हाफिज। सेकेंड फ्लोर है। हानिया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हानिया का मेकअप आ गया है, और मुझे लगता है हानिया को वो सिर्फ और सिर्फ जैसे ट्वाइस की तरह होते ना वैसे उसमें मेकअप नहीं होगा। खैर देखते हैं इतना वेट करने के बाद ना हानिया का किस तरह का जो ऑर्डर है। मुझे पता भी नहीं कौन सा है, शायद ये वाला। डल दो, चलो 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 जल्दी करो। अब गाड़ी में चल के ओपन करो इसको, देखो कि ये वाकई टॉयज है या रियल में मेकअप है। इसे जल्दी कितनी लगी हुई है। अब क्या लगता है क्या होगा? I don't know. मैं खोल के देखूं? हाँ ये पकड़ो, अब देखो अपने हाथों से खोलो ताकि फिर बाद में ना ये अब ब्लेम नहीं करो कि आपने मुझे ये ऑर्डर करके दिया था। ये हानिया ने खुद अपनी मर्जी से ऑर्डर किया था। कैसे खोलना है? हाँ इसको इसे बाहर निकालो। इट इज रियल। हाँ लेकिन ये ऊपर वाला कैसे? इधर दिखाओ इसको, सीधा करो, सीधा ऐसे ऐसे पकड़ो इसको। इट इज वाओ, पकड़ो, ये तो वाकई खूबसूरत है। और आप ही आपका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि ये नकली है, ये असली नहीं है। हटाओ ये, हटाओ, देखें कलर, देखें कैसे। इससे तो आप मलाक का मेकअप भी कर सकती हो। ये देखें, रियल है। मलाक का मेकअप भी हो सकता है ना इससे? मलाक का कहाँ से मेकअप होगा? हाँ मलाक को भी मेकअप कर सकती हो, अपना भी आप मेकअप कर सकती हो। चलें अब बस। एक सेकंड, ये इधर था ना? अब मुझे आप ये बताओ कि आप खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। बाय मम्मा। और दूसरी बात, ये पार्सल आपने किसी को नहीं देना। तो मन्ना आप ही कहे ना कि तो उसको भी नहीं देना। आप जाओ। हाँ, उसको भी नहीं देना, कि वो कहती है कि मैंने देखना है, उसको भी नहीं। अच्छा नहीं देना, अब जाओ, शाबाश, चलो अच्छी बची। अभी हमारे साथ रास्ते में क्या हुआ है कि हमारी गाड़ी का जो फ्यूल है ना वो ख़त्म हो गया। मैं और मलाक यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मुझे चीज़ें दिखा रही है कि ये देखो वो देखो, मुझे बता रही है कुकू के बारे में मुझे बता रही है। लेकिन कुकू तो हमारा घर पे है। हाँ कुकू तो हमारा घर पे है मलाक। हाँ गाड़ियाँ, ये मुझे यहाँ पे गाड़ियाँ दिखा रही थी, ये देखो। मैं और बस मलाक बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड का वेट हो रहा है साथ ही। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी है ना पेट्रोल पम्प, जो है ना वो यहाँ पर साथ ही है। तो साथ ही रुक गए हैं तकरीबन 10 मिनट, वो कह रहे थे कि लगेंगे मैं पेट्रोल लेकर आ जाऊँगा, तो फिर उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे घर, है ना। चलो जल्दी से अपनी टीथ दिखाओ मम्मा को। जैसे हम घर आए तो मैंने सोचा बस रात के खाने की अभी तैयारी करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए। प्याज भी कट कर रही हैं, टमाटर भी कट कर रही हैं, और आज रात के खाने में ना मैं बना रही हूँ दाल। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 दालों को मिक्स किया, हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत मजे की बनती है। दाल को धो के साफ करके मैंने भिगो के रख दिया है कुछ टाइम के लिए। प्याज डाल दिए हैं, टमाटर भी डाल देते हैं, जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो फिर उसके बाद जो मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे। चलो मलाक सुकून से बैठ जाओ, और मम्मा आपकी पोनी बना दे। कैसे कैसे बैठ करके बैठ गई, इसे पता चल गया कि मम्मा मेरी पोनी बनाने वाली है। मलाक अच्छा देखो ये मोबाइल, देखो आप ये मोबाइल देखो ना। हाँ ये देखो आप मोबाइल, और मम्मा जल्दी से ना आपकी पोनी लगा दे। चलो हाँ नहीं लगानी, नहीं लगानी। ये जा रही है अभी से, नहीं लगवानी पोनी।
आ जाओ वापस आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ शाबाश। और अगर पोनी नहीं लगाते ना इसके बाल इतने बुरे लगते हैं, बहुत बहुत ही बुरे लगते हैं अब इसके बाल। इधर देखो कैसे बुरे लग रहे हैं बाल। फाइनली हमने इसे खिला पिला के इसे खेल कूद में लगा के बड़ी मुश्किल से ना हमने इसकी पोनियाँ लगाई। इधर आओ वापस आओ अपनी पोनियाँ दिखा पहले। पोनी भी नहीं दिखानी। अच्छा जाओ 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 बाय कर दो आप ही को बाय कर दो बाय बाय बाय। अब जाओ आप ही के पीछे। अब मोना आ रही है आपके पीछे अभी देखो। बाय 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 टाटा। फिंगर के साथ बाय बाय हो रहा है। मम्मा मैं जा रही हूँ ठीक है। हाँ अल्लाह हाफिज़। देखो बाय बाय कर रही है आपको मोना। बाय बाय माशाल्लाह बाय बाय। मलाक को लग रही थी भूख तो खाना बनाते बनाते ना मैंने मलाक का यहाँ पर मम बना दिया। ये भी मैं दे देती हूँ कि तमन्ना खिला दे उसे। चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ। तमन्ना पकड़ो इसको ये ले लो आप खिलाओ इसे जल्दी करो ले जाओ इसको जाओ जाओ आप ही के पास जाओ जल्दी से। शाबाश अच्छा बच्चा मम्मा का। चलो पर अपनी खाने की एक थाली बना रही है जैसा कि इंडिया में रिवाज है ना उस टाइप का। मलाक आराम आराम से आगे आ रहा है इसको भी खाना है। ये पकड़ो मना। माशाल्लाह इसने बनाई कैसे मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप सबको भी दिखा दिया। साथ में ये क्या बनाया मोना? ये टमाटरों की चटनी है। टमाटरों की चटनी भी बनाई है साथ में इसने। माशाल्लाह मोना आपकी ये प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। दाल भी हमारी बन गई है और चावल भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गए। दाल भी माशाल्लाह से हमारी तैयार है। बस यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए। ये कुछ सामान है ये भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। साथ साथ बस किचन भी मैंने साफ कर लिया। एक दो बर्तन वहाँ पर रह गए हैं और वहाँ पर थोड़ी सी जगह को भी साफ करना है वो ठीक से नहीं किया वो फिर मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी।